वालेकुम, वेलकम माई चैनल कुकिंग विद शहला। आज हम फिरनी बना रहे हैं, तो उसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, ये मैंने चावल लिए हैं 6 टेबल स्पून, और इनको मैंने 4 आवर के लिए भिगो लिया था। और ये 1.5 लीटर दूध है, और ये 1/2 कप शुगर है, और ये 1 कप खोया है। अब हम ये चावल ग्राइंड कर लेंगे। हम बिल्कुल बारीक इसका पाउडर नहीं बनाएंगे। ये चावल हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं, ये इस तरह होने चाहिए, बिल्कुल हम इसे मैश नहीं करेंगे इस तरह के। ये मैंने एक देचकी ली है, और इसमें मैंने 1.5 kg दूध ऐड कर दिया है। अब इसको बॉयल आने देंगे हम। ये मैंने बादाम लिए हैं कटे हुए 2 टेबल स्पून, ये 2 पिंच ज़ाफ़रान है, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर है, और ये रेजन है 1 टेबल स्पून, गार्निश के लिए ना ये चीज़ें हैं। अब दूध बॉयल होना स्टार्ट हो गया। अब इसमें मैश किए ब्लेंड किए हुए राइस ऐड करेंगे। अब हमने इसमें चावल ऐड कर दिए, और हम इसमें नॉर्मल आंच पे 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब फिरनी को कुक होते हुए 15-20 मिनट हो गए हैं, ये चावल बिल्कुल गल गए हैं, लेकिन अभी फिरनी रेडी नहीं हुई। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे, और 2 पिंच ज़ाफ़रान, और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें 1/2 कप शुगर ऐड करेंगे, अब फिरनी तकरीबन हमारी रेडी है, 1/2 डन हो गई है। अब हम इसमें खोया ऐड करेंगे, खोया मैंने ऐड कर दिया, फ्लेम थोड़ी हाई करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम किशमिश ऐड करेंगे, और थोड़े से बादाम, चावल बिल्कुल बीच में गल गए, मिक्स हो गए, ये देखिए इस तरह की अब इसकी शक्ल हो गई है पक के। खोया अब इसमें मिक्स हो रहा है, थोड़ा हो गया। बहुत मज़े की बनती है, आप ट्राई करें। अगर आपके पास खोया अवेलेबल नहीं है तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। खीर ये देखिए जब रेडी हो जाती है तो इस तरह की है इसकी फिरनी जो है। अब ये रेडी हो गई है, अब हम इसे सर्व करेंगे। अब रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।